लोक प्रधान न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शफी शेख। आज हम लोग जो है शहर सोलापुर मध्य के जो हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार थे और लोगों में काफ़ी मकबूल हैं, हमारे हाजी फारूक शादी साहब, जो AIMIM से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से ताल्लुक़ रखते हैं, उसके यहाँ के शहर अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं। वह आज शास्त्री नगर में यहाँ किसी काम की तरह से जब आए थे तो इत्तेफाक से उन्होंने देखा कि यहाँ गुडलक बहुउद्देशीय सामाजिक संस्था है जो बहुत अच्छे से अपने ड्यूटीज अंजाम दे रही है, और उनका एक दो तीन सामाजिक कार्य को सराहने के लिए उन्होंने इस ऑफिस में विजिट की। तो हम उन्हीं से जानना चाहते हैं कि आपने इस ऑफिस में विजिट करके उनके जो हमारे यहाँ सादिक मुजावर हैं, हारिस कुरैशी, महबूब कुरैशी, ताजुद्दीन कुरैशी और जो बाकी हमारे मेहमान यहाँ पर बैठे हैं, ये अज्जू भाई हैं हमारे मुजावर साहब हैं, तो ये इनके प्रेजेंसी में हमारे नगर सेवक हैं गाजी जागीरदार, तो उन्होंने आकर देखा। तो हम जानना चाहेंगे कि उन्होंने किस काम को यहाँ पर देखा और उन्हें इसको क्या लगा, क्या महसूस करते हैं। सबसे पहले लोक प्रधान न्यूज चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इतने अच्छे कॉज को कवर किया है। तो जैसे कि उनका प्रश्न था क्या, तो मैं शास्त्री नगर में एक कार्यक्रम के लिए आया था, तो मुझे पता चला कि गुडलक ग्रुप की भी ऑफिस यहाँ पर ही है। मैं काफ़ी नाम सुनता हुआ आ रहा था और हारिस भाई से मेरे काफ़ी अच्छे ताल्लुक है, तो मैंने उनको कॉल किया और मैंने कहा कि आपके ग्रुप का नाम मैं बहुत सुन रहा हूँ, सामाजिक कार्य अच्छे अच्छे हो रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ, मैंने खुद से उनसे दावत मांगी कि मैं चाहता हूँ कि मैं आपके ऑफिस की विजिट करूँ और देखूँ आप लोग क्या काम कर रहे हैं। तो उन्होंने हारिस भाई के साथ यहाँ पर सादिक भाई हैं, महबूब भाई, अज्जू भाई, दाऊद भाई और उनकी टीम से मेरा तारुफ कराए और वो क्या क्या सामाजिक काम कर रहे हैं उसको बताए। तो उन्होंने ये बताया कि इसमें इनका मेन मकसद क्या है, गुडलक ग्रुप का ये मेन मकसद जो है कि जो सरकारी स्कीम्स बनती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट की हो, वो स्कीम्स बनने के बाद अक्सर ये होता है कि वो स्कीम पार्लियामेंट तक या मंत्रालय तक सीमित रह जाती है, उसमें उसकी लोगों में अवेयरनेस जागरूकता नहीं फैलती। तो सबसे बड़ा काम ये लोग वो करते हैं कि जो स्कीम सरकार की तरफ से बनती है उसके बारे में अवेयरनेस, उसकी जागरूकता लोगों तक पहुँचाते हैं। तो उसी के तहत ये लोग आज एक सबसे बड़ा काम ये कर रहे हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है आयुष्मान भारत स्कीम, जिसके अंदर 5 लाख रुपए तक का मेडिकल बेनिफिट, अगर किसी की जो ऑपरेशन है या कोई मेडिकल उसको तकलीफ आती है तो 5 लाख तक का जो बेनिफिट मिलता है वो कोई गरीब आदमी है उसको मिल सकता है, लेकिन लोगों में ये अवेयरनेस नहीं है, जिसकी वजह से उनका टाइमली इलाज नहीं होता है पैसों की कमी की वजह से और उनको अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ता है। तो ये लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, ये लोग अभी स्क्रूटिनाइज कर रहे हैं, लोगों को शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं कि कौन इसका लाभार्थी है और उन लाभार्थियों तक पहुंचकर उनको ये बता रहे हैं कि आप इसका लाभ ले सकते हैं और उसके जो भी प्रोसीजर है उसको ये लोग फुलफिल करके उसको जो भी उसका कार्ड मिलता है वो कार्ड दिला रहे हैं। इसके बाद अभी हाल फिलहाल में 10वीं और 12वीं की परीक्षा के रिजल्ट्स हैं, तो उन रिजल्ट आने के बाद आज बच्चे एडमिशन के लिए काफ़ी परेशान घूम रहे हैं। लॉकडाउन का पीरियड है, उसमें उनको जो भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है एडमिशन करवाने के लिए, तो ये गुडलक ग्रुप के जो हमारे मेरे युवा भाई हैं ये लोग इनकी मेहनत से उन बच्चों के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध करा के दे रहे हैं एट देयर डोर स्टेप्स, उनके घर तक वो सारे पेपर वो लोग मौजूद करा के दे रहे हैं ताकि उनको एडमिशन लेने में तकलीफ ना हो। और अभी जैसे कि मैंने इन्होंने भी बताया कि आने वाले कुछ ही दिनों में इनके ग्रुप की तरफ से एक बहुत ही बड़ा एक भव्य रक्तदान शिविर होने वाला है, तो उसका भी हम लोगों को इंतज़ार है और मैं आपको पूरा ये वादा करता हूँ कि आप लोग जो भी सामाजिक काम ऐसे करेंगे उसमें मैं पार्टी नहीं, पक्ष नहीं, जात नहीं, समाज नहीं, कुछ भी नहीं देखते हुए मैं आप लोगों के साथ कंधे से कंधा लगा के खड़े रहने के लिए तैयार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हाजी फारूक शाब्दी, इन्होंने आखिर में जुमला कहा
कि मैं पक्ष नहीं, पार्टी नहीं, जात नहीं, एक ह्यूमैनिटी के तौर पर, इंसानियत के तौर पर कंधे से कंधा लगा खड़ा हूँ। तो यहाँ पर आज न कोई इलेक्शन है, न कोई राजकारण है, सिर्फ है तो वो है इंसानियत, जो आज पूरे हिंदुस्तान में जो कोविड का माहौल बना है उसमें नजर आ रही है। तो आज बहुत बड़ी बात की हाजी फारूक शाक्ती ने, हालांकि वो MIM के जिला अध्यक्ष हैं, शहर अध्यक्ष हैं, इसके होने के बावजूद भी उन्होंने अपने आप को राजकारण या सियासत से बाजू रखकर इंसानियत के लिए काम करने के लिए उन्होंने किसी के साथ भी कंधे से कंधा मिलाने की बात की है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शफी शेख, कैमरामैन मुनी नन्ना के साथ शास्त्री नगर सोलापुर। ताज्या बातम्यांसाठी लोकप्रधान चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा।